इस वीडियो में हम बात करेंगे 1984 की फिल्म द एल्यूसिव समर ऑफ 68 के बारे में, जो कहानी है युगोस्लाविया के एक समर की, जो पीटर नाम के लड़के के नजरिए से दिखाया गया है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1968 में पीटर नाम का लड़का एक पेड़ पर निराश बैठे ये सोच रहा था कि हर किसी की जिंदगी में एक लड़की है और सिर्फ वही है जिसकी जिंदगी में कोई नहीं। पर उसका मानना था कि जल्द ही उसके साथ कुछ अच्छा होगा और उसे प्यार मिलेगा, और प्यार करने के लिए लड़कियों की लिस्ट में सबसे ऊपर उसने अपनी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर नेवेना मोरेनो को रखा। पीटर नेवेना को बहुत पसंद करता था और उसे लगता था कि नेवेना उस पर अलग से ध्यान देती है, इसलिए नेवेना को इम्प्रेस करने के लिए पीटर ने मार्क्सिज्म को अपनाने के बारे में सोचा। इस फैसले से सबसे ज्यादा पीटर के पिता हैरान हुए, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही पीटर ने पॉलिटिक्स में अपनी राह चुन ली। वो खुद भी एक जज है और अपने बेटे की मदद के लिए पीटर के पिता ने शीले नाम के एक स्टूडेंट को घर पर बुलाया, और वो उम्मीद कर रहे थे कि वो दोनों एक साथ पॉलिटिक्स के बारे में सीखकर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। पर शीले का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा पीटर की बहन लाडिका पर था। उस दौरान देश में अफरा तफरी मची थी और इस बीच पीटर के पिता अपने शिकार की तैयारी में लगे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने शीले को अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसका पीटर पर बुरा असर पड़ रहा है। पीटर को वैसे भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं थी, वो बस दिन रात नेवेना के बारे में सोच रहा था। पीटर जल्द ही एग्जाम में पास हुआ और उसका परिवार इस बात की खुशी मनाने लगा, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये सब कुछ झूठ है और पीटर असल में फेल हो गया है। ये सोचते हुए कि सच बाहर आने पर क्या होगा, पीटर का ध्यान एक लड़की ओलिया पर गया जो उसके मोहल्ले में नई नई रहने आई थी, और पीटर को अब नेवेना के अलावा एक नया प्यार मिल गया था। हर संडे पीटर अपने परिवार के साथ अपने दादा से मिलने जाता है, जो हॉस्पिटल में एक ऐसी बीमारी की वजह से है जो जानलेवा तो है, पर वो बीमारी क्या है ये किसी को नहीं पता, और सिर्फ पीटर और उसके पिता जानते हैं कि ये बीमारी सिर्फ एक नाटक है। उस हॉस्पिटल में 20 सालों से वो ऐशो आराम कर रहे हैं और पीटर के पिता इस बात से परेशान हो चुके हैं। पीटर के दादा इकलौते थे जो जानते थे कि पीटर फेल हो गया है, पर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी 3 बार फेल हो चुके हैं। उस इलाके में शकुस्लोवाकिया से एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आया था और उसी ऑर्केस्ट्रा को देखने पीटर अपने दादा के साथ गया। वहां उसने नेवेना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा और ये देखकर वो परेशान हो गया। वो अपने साथ डांस करने के लिए लड़की ढूंढ रहा था, पर कोई उसके पास नहीं आई। सिर्फ एक लड़की थी जो पीटर की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, पर पीटर का ध्यान उस पर गया ही नहीं। वो अब भी नेवेना के बारे में सोचकर परेशान था, पर एक दिन उसकी नजर साशका नाम की एक औरत पर पड़ी, और जहां बीच पर उसके पिता अपने परिवार को रोकने टोकने में लगे थे, वहीं पीटर साशका की ओर देखने में लगा था। जल्द ही पीटर को वहां से जाने का मौका मिला जब उसके पिता ने उसे घर से कुछ सामान लाने भेजा, और बीच पर लौटते हुए उसे रास्ते में ओलिया मिली। ओलिया से जान पहचान होने पर उसे पता चला कि वो भी बीच पर जा रही है, और पीटर उसे अपने साथ बिठाकर वहां ले आया। उन दोनों को साथ देखकर ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की निराश हो गई। बीच पर जब पीटर को उसके पिता ने ओलिया के साथ देखा तो वो सोचने लगे कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उन्हें लगने लगा कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि पीटर उस लड़की के साथ और व्लाडिका शीले के साथ रहने की कोशिश कर रही है। शीले अपने साथियों के साथ मिलकर बेलग्रेड में प्रदर्शन करने वाला था, और इसलिए व्लाडिका को उसके पिता शीले से दूर रखना चाहते थे। कुछ वक्त बाद साशका का पति पीटर के पिता को अपने साथ ले गया और उन्हें बताने लगा कि पीटर साशका के करीब आने की कोशिश कर रहा है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर उन्हें नेवेना का बॉयफ्रेंड भी मिला, जो खुद भी पीटर का टीचर है, और उसने बताया कि पीटर सबके सामने नेवेना को बुरी नजर से देख रहा था, जिसकी वजह से उसे फेल कर दिया गया है। दो लोगों से ये भद्दा सच सुनने के बाद उन्होंने पीटर को सजा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने उसे बेल्ट से पीटा और खाना भी नहीं खाने दिया। पर इस सजा की असली वजह ये थी कि पीटर के पिता एक कम्युनिस्ट पार्टी में हैं और उनका बेटा कम्युनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने उसे मार्क्सिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ने के लिए कहा, पर पीटर की दिलचस्पी सिर्फ ओलिया नाम की लड़की में ही थी। वो अपने पिता के कहने पर मार्क्सिज्म पढ़ तो रहा था, पर मौका मिलते ही वो ओलिया के पास आने जाने लगा। उसने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, क्योंकि ओलिया वही काम किया करती है, और पीटर के बार बार लाइब्रेरी में जाने की बात सुनकर उसके पिता हैरान हो गए। पर फिर एक दिन पीटर ने वही किया जो वो पहले कर चुका है, और उसने ओलिया के साथ बदतमीजी कर ली।
उसके पिता अपने बेटे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, पर पीटर की माँ का मानना था कि अगर घर में गाड़ी लाई जाए तो पीटर का दिमाग गाड़ी पर रहेगा। ये बात पीटर के पिता को अजीब लगी और इसलिए अगले दिन वो पीटर को लेकर अपने दोस्त की बेकरी में गए, जहाँ पीटर को उसके नए बॉस की मंगेतर के पास लाया गया। उस औरत का नाम था जागोदिंका, जिसके साथ अब पीटर को काम करना था। पीटर अब जागोदिंका को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग गया और काम से ज्यादा उसका ध्यान उसी पर रहने लगा, पर यह पहली बार था जब पीटर की बुरी नजर के लिए उसे थप्पड़ नहीं मिला। जागोदिंका का पति अजीब था और इसलिए पीटर उसके करीब जाने में कामयाब हुआ, पर उन दोनों को साथ देख लिया गया और पीटर को नौकरी से निकाल दिया गया। जब ये बात अगले दिन पीटर के पिता को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे से अपनी हर उम्मीद खो दी। एक दिन शीले ने अपने आप को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया और उसका बदला रूप देखकर व्लाडिका को वो और पसंद आने लगा। जल्द ही जागोदिंका को उसके पति ने छोड़ दिया और उसे देश छोड़कर जाना पड़ा, पर पीटर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे बेलग्रेड चला गया, जहां तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। दूसरी ओर पीटर के दादा हॉस्पिटल को छोड़ना नहीं चाहते थे और उन पर हो रहे बेकार के खर्चों से पीटर के पिता परेशान होने लगे थे। उन्होंने जब पीटर के बेलग्रेड जाने की बात बताई तो परेशान होने की बजाय पीटर के दादा को अपने पोते पर गर्व होने लगा, क्योंकि पीटर उन्हीं की तरह बेफिक्र होकर जिंदगी जीना सीख रहा है। जागोदिंका का पीछा करते करते पीटर उस बेकरी तक पहुंचा जहां वो काम करने वाली है, पर वहां उसे पता चला कि जागोदिंका सबसे वही कहती है जो वो पीटर से कहा करती थी, और तब पहली बार पीटर का दिल टूट गया। वो शराब के नशे में रहने लगा और प्यार को एक खराब चीज कहने लगा। उसकी हरकतों से लोग परेशान होते रहे, पर उसकी उम्र की लड़कियों को वो प्यारा लगने लगा। पीटर नहीं जानता था कि जिस आदमी को उसने ट्रेन में परेशान किया है वो उसके इलाके का लोकल प्रेसिडेंट है, और उसका और उसके परिवार का स्वागत करने पीटर का परिवार भी वहाँ आया है। प्रेसिडेंट से उसके सफर के बारे में पूछने पर उसने बताया कि एक शराबी ने उनका सफर पूरी तरह खराब कर दिया, और उस शराबी के बारे में बताने पर पीटर के पिता को फिर से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां बेलग्रेड में कम्युनिस्ट, लेनिनिस्ट और दूसरे पॉलिटिकल सोच वाले लोग एक मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पीटर के माता पिता अपने घर आ रहे मेहमानों के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। पीटर को सजा के तौर पर उसके रूम में बंद कर दिया गया और ये कोशिश की जाने लगी कि प्रेसिडेंट को भनक भी ना पड़े कि वो शराबी जो उस ट्रेन में था असल में उसी घर का बेटा है। पीटर के पिता प्रेसिडेंट के साथ वाइन पीने में बिजी थे कि तभी दूसरे मेहमानों के साथ प्रेसिडेंट की बेटियां अंदर आ गई और सीधा पीटर के रूम में चली गई। वो दोनों ही लड़कियां जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और यही बात प्रेसिडेंट ने पीटर के पिता को बता दी। उन्होंने बताया कि उन्हीं लड़कियों की वजह से उन्हें अपने घर से भागकर यहां आना पड़ा है। प्रेसिडेंट का ये निजी सच सुनने के बाद पीटर के पिता ने फैसला किया कि वो भी पीटर के बारे में उन्हें सब कुछ बताएंगे, मगर ये फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया। बेलग्रेड में एक नया दौर देखा जा रहा था और जवान नागरिक नया बेलग्रेड बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये बात जब व्लाडिका ने अपने पिता को बताई तो वो सोचने लगे कि सिर्फ व्लाडिका ही उनकी इकलौती बेटी है जो सही राह पर चल रही है। कुछ वक्त बाद पीटर का छोटा भाई ये खबर लाया कि उनके दादा ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को साथ लेकर शहर में सैर पर निकले हैं, और पीटर के पिता को अब पहले से भी ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अपने परिवार की वजह से वो बीमार हो गए और कहने लगे कि ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। कुछ वक्त बाद पीटर घर पर ये खबर लेकर आया कि वो आखिरकार एग्जाम में पास हो गया, और इस बात से हर कोई खुश हुआ और उसके पिता की बीमारी झट से गायब हो गई। पीटर के दादा ने पीटर के साथ वक्त बिताने का फैसला किया और सैर पर निकलने के बहाने वो लड़कियों को देखने चले गए। उन्होंने बीमार होने का नाटक खत्म किया और पानी में तैरने निकल पड़े। एक बार के लिए पीटर को लगा कि उसने अपने दादा को पानी में खो दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उस रात वो दोनों वही ऑर्केस्ट्रा देखने गए जिसमें काम कर रही लड़की पीटर को पसंद करती है। पीटर के दादा ये बात जानते थे और इसलिए वो उस लड़की रुजेंका को अपने पोते के पास ले आए। पीटर और रुजेंका एक दूसरे के साथ नाचने लगे और पीटर के दादा ने अपने लिए भी एक साथी चुन ली। पीटर अब बिल्कुल अपने दादा जैसा बनने लगा था और हर रात को अपनी आखिरी रात समझकर जीने लगा था, क्योंकि इसी सोच के साथ हर दिन बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। जल्द ही पीटर और रुजेंका एक दूसरे के करीब आ गए और पीटर उसे लेकर उस पेड़ के पास चला गया जहां वो बचपन से वक्त बिताने आया करता है, और उसी पेड़ के पास पीटर को अपना वो प्यार मिला जिसका वो इंतजार कर रहा था। अंत में रेडियो पर खबर आई कि चेकोस्लोवाकिया पर अलग अलग देशों ने कब्जा कर लिया है और 5 देशों के बीच एक समझौता होने वाला है, जिसके बाद चेकोस्लोवाकिया को 5 अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। इस बात से अनजान पीटर रुजेंका से मिलने जा रहा था, पर रुजेंका के कैंप पर पहुंचने पर उसे पता चला कि वो लोग चेकोस्लोवाकिया जाने के लिए निकल गए हैं। एक तरफ पीटर के पिता शिकार करने में लगे थे तो दूसरी तरफ पीटर अपने प्यार का पीछा करने में लगा था, पर जिस तरह पीटर के पहले प्यार की शुरुआत हुई
उसी तरह उसी गर्मी के महीने में उस प्यार का अंत भी हो गया और पीटर ने 1968 के बाद रुजेंका को फिर कभी नहीं देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।